वाइस चांसलर डॉक्टर तृप्ता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंपल्सरी सब्जेक्ट कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत उदारवादी शिक्षा का अर्थ के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उनके वीडियो अनुसार ये जान लेते हैं कि उदारवादी शिक्षा है क्या। उदारवादी शिक्षा एक प्रकार से
इन व्यक्तियों पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती थी और एक तरह से कह सकते हैं कि क्लीन वर्ग ही होता था जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता था, साथ ही आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र था, क्योंकि मानव जीवन के लिए मेन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो ग्रीस के अंदर जिन लोगों को उदारवादी या सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती थी वह केवल कुलीन वर्ग को ही दी जाती थी जो स्वतंत्र होते थे और आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होते थे और इस उदारवादी शिक्षा के माध्यम से अपना मानसिक और बौद्धिक विकास करते थे। तो इस प्रकार की उदारवादी शिक्षा में जो भी शिक्षा प्रदान की जाती थी वह शिक्षा खगोल शास्त्र, ज्योतिष, कला, संगीत, और नॉर्मल रूप से जो हमारी मैथ होती है यानी गणित और व्याकरण, तो ये समस्त जो विषय थे इनकी स्टडी इन लोगों को करवाई जाती थी। तो इस प्रकार उदारवादी शिक्षा एक प्रकार से सामान्य शिक्षा ही है जिसे अव्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, और अव्यावसायिक शिक्षा अगर हम इसका उद्भव के समय की बात करें तो ग्रीस के अंदर ऐसे व्यक्ति थे जो क्लीन वर्ग होता था, जो कम होता था और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति होते थे जिन पर किसी प्रकार का कोई भी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व नहीं होता था। तो उन लोगों को ही अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के अवसर दिए जाते थे और इस उदारवादी शिक्षा के अंतर्गत जो भी विषय पढ़ाए जाते थे वो खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, व्याकरण और कला संगीत इत्यादि से संबंधित थे। तो इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ना ये जो अव्यावसायिक शिक्षा है इसके माध्यम से उन लोगों के समय का सदुपयोग होता था, क्योंकि उनके पास किसी कार्य संबंधी जिम्मेदारी न होने के कारण वे अपने समय का उपयोग अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए करते थे। तो इस प्रकार उदारवादी शिक्षा का धीरे धीरे शुरुआत हुआ और वर्तमान समय में इस उदारवादी शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ अपने स्वरूप में भी परिवर्तन लाया है। तो आज हम जो भी शिक्षा वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं वह इस उदारवादी शिक्षा का ही परिणाम है। तो कालांतर उदारवादी शिक्षा का स्वरूप या संगठन किस प्रकार से था और आज आधुनिक समय में वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और समाज और देश की आवश्यकता के अनुसार आज किस
कालांतर से लेकर वर्तमान समय तक हमारा जो भी विकास रहा है उस विकास क्रम के अनुसार उदारवादी शिक्षा का स्वरूप भी निश्चित रूप से परिवर्तनशील रहा है। अब आज का मुद्दा इस प्रकार है, साथ ही घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए